हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं वो कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और डियर स्टूडेंट, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ये आपका जो टॉपिक है, अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो जो अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति आप पढ़े हो उसका डेरिवेशन आप एक लाइन या दो लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये इस साल के बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इस बार के यूपी बोर्ड में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करते होंगे कि जो बच्चे जुड़े होंगे चैनल पर, वो चैनल को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि जो जो, जो सोत है सो खोत है, तो उनको आप एक बार जगा दीजिएगा। चलिए, जगा लिए होंगे तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो चर्चा करते हैं, क्या है विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, एक हम लोग पहले ही यहां पर डायग्राम बना के रखे हैं। एक विद्युत द्विध्रुव कौन है, ए और बी है। क्या है विद्युत द्विध्रुव, ए और बी है। बातें समझ में आई। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिस ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी पर कौन आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इतनी बात समझ में आई। इसके मध्य बिंदु ओ, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ओ से आर मीटर की दूरी पर, सॉरी हाँ आप देखिएगा, ओ से आर मीटर की दूरी पर, ओ से आर मीटर की दूरी पर तथा थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी स्थित है। इतनी बातें समझिएगा। क्या जो हमने बताया वो आप लिख सकते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बातें क्लियर हुई। जो आपने समझा था वो चीजें लिख ली है, ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन तो इतनी बातें जितना हमने आपको समझाया था वो हमने लिख लिया। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे क्या है, अब देखिए, जो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसका हम लोग यहाँ दो घटक करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, दो घटक करेंगे, एक क्षैतिज घटक करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो आप देखिए, ये जो बिंदु P है, सॉरी बिंदु P नहीं, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो बिंदु P अलग है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब इसका हम लोग दो घटक करेंगे, जो क्षैतिज घटक होगा उसको हम लोग कॉस से व्यक्त कर देंगे, जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसे हम लोग साइन से व्यक्त करेंगे। अगर आप देखिए, इस बिंदु P का एक घटक किए, ये देखिए, ये वाला जो घटक है ये क्षैतिज घटक है, और ये वाला जो घटक है ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। नहीं तो आइए हम आपको इसको अलग से करके दिखाते हैं। तो आपका P इस प्रकार है, ये P आपका इस प्रकार है। अब इसका घटक करना है, तो इसका घटक करने के लिए ये देखिए, ये वाली लाइन आपकी ये ऐसे कुछ खींची गई है, और अगली वाली लाइन आपकी ये ऐसे खींची गई है, ऐसे।
तो आप देखिए, तो ये एक समय आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी लंबवत घटक है। ये कौन सी घटक है? लंबवत घटक है। और लंबवत घटक को आप कहोगे पी साइन थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसे आप क्या कहोगे? पी कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पी का दो घटक किया गया, क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए, अब अगर आपकी ये इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो देखिए जो ये पी कॉस थीटा है, जो ये पी कॉस थीटा है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई आर है, जो कि इसके अच्छी स्थिति पर है, और जो पी साइन थीटा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थीटा है। पी साइन थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थीटा है, जो कि निरक्षीय स्थिति पर है। P पर कौन से अक्ष पे है? ये निरक्षीय रेखा पर है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए लंबवत है, ये लंबवत घटक है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे जो समझे हैं उसे लिखते हैं। तो क्या समझे हमने? लिखिए, क्या लिखेंगे? P का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P को दो घटक में विभाजित कर दिए। कौन कौन से? पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में वियोजित कर दिए, ठीक वियोजित कर दिए। ध्यान से समझिएगा। अब आगे की बात क्या लिखेंगे आप? आगे, अब पी कॉस थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी कॉस थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन है? ई आर है। कौन है? ई आर है। ध्यान से समझिएगा, ई आर है, जो कि बिंदु पी पर, यहां तक दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि बिंदु पी पर अक्षीय रेखा में है। किस रेखा में है? अक्षीय रेखा में है। इस बात को जरा सा गौर से समझिएगा। अगर ये लाइन आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कतें कहीं नहीं आएगी। ये देखिए, पी कॉस थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर है, वो इसी रेखा पर है ना, तो जब इसी रेखा पर होगा तो ई वो अच्छी स्थिति हो जाएगा, और 90 अंश पे होगा तो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। तो ई आर है ना, तो आपने अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था। ई आर बराबर आपने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, हमने ई आर इक्वल टू बता के रखा है 1/4πε₀ 2πp। तो पी यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2π/r³, जहां पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो पी आपका कौन हो गया है? पी कॉस थीटा हो गया है। तो यहाँ पी के स्थान पे क्या रख देंगे? पी कॉस थीटा, ये मान रख देंगे। तो ई आर इक्वल टू 1/4πε₀ 2π के स्थान पे क्या आ गया? 2π cos θ/r³। ये मान आपका कहा हो गया? समीकरण नंबर एक। अब इसी तरह ई थीटा निकालेंगे, तो ई थीटा किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पी साइन थीटा के कारण। तो लिखेंगे पी साइन थीटा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई थीटा है, जो कि पी पर निरक्षीय रेखा में है, जो कि पी पर निरक्षीय रेखा में है। कहाँ है?
निरक्षीय रेखा में है, इतनी बातें लिख लेते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो e थीटा, तो निरक्षीय स्थिति पर फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, 1/4πε0, क्या पढ़े थे, P/r³ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, P/r³। और हमने बताया यहाँ जो P है वो किसके बराबर है, P sin थीटा के बराबर है, तो यहाँ P sin थीटा रख देंगे, तो E थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ P के स्थान पे P sin थीटा बटे कितना हो गया, R³। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 2। ये बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हुई डियर स्टूडेंट। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब दो सदिश, कोई भी सदिश दो घटक में हो तो परिणामी हो जाता है E बराबर अंडर रूट में उन सदिशों के परिमाणों के वर्गों का योग। तो कौन है, E बराबर क्या हो जाएगा, E थीटा का वर्ग E r का स्क्वायर, तो E थीटा का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, E r का वर्ग हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से E थीटा और E r का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1-2 से E थीटा का मान रखेंगे, तो 1/4πε0, फिर कौन है, P sin थीटा, फिर बटे क्या हो जाएगा, R³ का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब फिर आगे कौन है, ER का भी मान रखेंगे, 1/4πε0 2P cos थीटा बटे क्या हो गया, R³ का होल स्क्वायर, ये रख दिए। फिर क्या लगा दिए, करणी लगा दिए, क्या लगा दिए, करणी। अब आपको पता है करणी में जो चीज वर्ग में रहता है वो बाहर आता है, तो हम लोग उसको एक बार लिख देते हैं। तो देखिए आप देखिए 1/4πε0 और 1/4πε0 दोनों में क्या है, कॉमन है, ये चीज बाहर हो जाएगा, जब ये चीज बाहर होगा तो 1/4πε0। अब आपका क्या बचा, आपका बचा है अंडर रूट में, अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो P² sin² θ आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा, R³। अब आप देखिए आपका यहाँ से R³ भी बाहर हो जाएगा, तो R³ को भी आप कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 1/R³। ध्यान से समझिएगा जरा सा, आपको यहाँ समझने वाली बात है कि 1/R³ भी आपका कॉमन है, तो इतना चीजें कॉमन ले लिए, ठीक। अब क्या होगा, R³ बाहर हो गया, P² sin² θ हो जाएगा, यहाँ से भी R³ बाहर हो गया है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और इनका वर्ग करेंगे P² इनका वर्ग करेंगे तो cos² θ हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब आप देखिए यहाँ से आपको P² भी कॉमन हो रहा है, तो P² को भी हम लोग बाहर कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम P² को भी बाहर कर लेंगे। तो आइए चले हम लोग P² को बाहर करते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, जब आप P² यहाँ से बाहर करेंगे, P² कॉमन होगा, P बाहर आएगा तो एक P हो जाएगा, तो 1/4πε0, ये जो P² आप करणी से बाहर करोगे तो इसका वर्गमूल होगा P आ जाएगा, P बटे क्या हो जाएगा, R³। अब अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए तो मैं मिटा दीजिए, ठीक। चलिए अब उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, जब आपने P² कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका क्या बचा है, sin² θ बचा है, फिर कौन बचा है, +4cos²θ, ये बात है, अब आप जरा सा समझिएगा, ठीक। अब आप करेंगे क्या, अब आप यहाँ जो ये sin²θ है इसको आप हटा सकते हैं, sin² को हटाएंगे हम लोग, तो sin² हटाएंगे तो sin² बराबर हमने पढ़ा था 1 - cos²θ, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, कौन से सूत्र का उपयोग, सूत्र कौन है, sin²θ बराबर 1 - cos²θ, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चले ध्यान समझिएगा, आप इस सूत्र का उपयोग कर देंगे, जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो जहां sin²θ वहां ये रख देंगे, रखिए क्या हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 P/r³। अब आप ध्यान से समझिएगा, करणी में यहाँ sin²θ के स्थान पे 1 माइनस क्या रखेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस चार कॉस स्क्वायर थीटा। अब चार में से एक आप घटा देंगे, चार में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो क्या मिलेगा, चलिए e बराबर 1/4πε0 p बटे r क्यूब। अब आप चार में से एक घटाएंगे तो तीन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये आपका वन पहले से है 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार r थीटा की दूरी पर जो बिंदु p था उस पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार आप ज्ञात कर लेते हो। डियर स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आपके इस साल के बोर्ड पेपर में पूछा गया था। अब मैंने क्या चर्चा किया था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति दोनों सरल हो जाएंगे, तो उनको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब बिंदु P, ये जब बिंदु P यहाँ पर न होके इसको पकड़ के लाओ यहाँ पर रख दो, यानी बिंदु P अच्छी स्थिति में हो जाए तो थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, और जब बिंदु P जो है निरच्छी स्थिति में हो जाए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आइए उन दोनों को भी रख के देख लेते हैं। तो यदि बिंदु P, यदि बिंदु क्या हो जाए, यदि बिंदु P ऐसे लिखते हैं, यदि बिंदु कहाँ हो, यदि बिंदु P अच्छी स्थिति में हो, कहाँ पर हो, अच्छी स्थिति में हो तो थीटा बराबर हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जब थीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो रख देंगे और कास जीरो अंश का मान एक होता है। अब आप समझिएगा तब क्या हो जाएगा, तब E बराबर 1/4πε0 पी बटे आर क्यूब। अब आगे कर्ली में ध्यान दीजिए, ये आपका वन पहले से है, इसका जब जीरो रखोगे तो जीरो का मान एक हो जाएगा, कास जीरो अंश का मान एक और तीन का गुणा एक में कर देंगे, तीन एक चार जोड़ देंगे तो चार को जब कर्ली से बाहर लाएंगे तो टू आ जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 टू पी बटे आर क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने तो अच्छी स्थिति में यही फार्मूला पढ़ा था और जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने आपको दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, निरच्छी स्थिति के लिए जहां थीटा जीरो रखे हैं वहीं थीटा का रख देंगे, 90 रख देंगे। तो निरच्छी के लिए जब चर्चा करेंगे तो थीटा बराबर का रख देंगे, 90। तो प्यारे बच्चों ये आप थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला पूरा पद जीरो हो जाएगा तो आपका एक बचेगा और कर्णी में एक का मान एक ही होगा तो आपका फार्मूला हो जाएगा। अगर आप उधर दिखाया कर दो एक दो लाइन तो रजिस्टर कर दे, तो अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो कुछ जो टॉपिके बची हैं वो हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम बगल में जा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हमने बोला ना कि जब बिंदु P अच्छी स्थिति में ना हो निरच्छी स्थिति में हो, कहाँ हो, निरच्छी स्थिति में। यदि बिंदु P, यदि बिंदु P निरच्छीय रेखा में हो, कहाँ पर हो, निरच्छीय रेखा में हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जानते हैं, थीटा बराबर 90 अंश, यानी बिंदु P उठा के यहाँ नहीं न यहाँ एकदम सीधे ऐसे खड़े हो जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 जो P बटे क्या है, R क्यूब है, P बटे R क्यूब, वहाँ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर जीरो, सॉरी cos स्क्वायर 90 हो जाएगा और cos 90 अंश का मान जीरो होता है तो ये पद पूरा, ये वाला पद जीरो हो जाएगा तो एक बचेगा। तब E बराबर 1/4πε0 P बटे क्या आ जाएगा, R क्यूब आ जाएगा क्योंकि इसका मान एक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका किसके लिए आ गया, निरच्छी स्थिति के लिए व्यंजक आप प्राप्त कर लिए। तो डियर स्टूडेंट आप एक बार इसको जरूर अभ्यास करेंगे और आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली
क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।